हबी के हाथ की चाय इवनिंग में बहुत अच्छी लगती है। ये बेटू का है, पी चुका है बेटू बहुत सारा बॉर्नविटा, और ये है मेरी चाय। ऐसा आवाज़ क्यों कर रहा है? दो थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अदरक वाली चाय मस्त हबी के हाथ की। तो बस ऐसे ही गया सैटरडे, कुछ खास नहीं। एंड सो गई थी दोपहर को, सही में बहुत अच्छी नींद आई, मतलब अच्छे से सोई प्रॉपरली। तो बस सही, तबीयत भी थोड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है सोने के बाद। चलिए अभी चाय एंजॉय करती हूँ। मेरी हालत देखिए कैसी हो रखी है, बाल वगैरह भी नहीं बना है, अभी बनाऊँगी चाय वाय पी के। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे, आज है 17 तारीख, 17 अप्रैल। सुबह सुबह से ब्लॉग स्टार्ट की, नाश्ता मेरा बन गया, हबी गए हैं बाज़ार, हबी वापस आ जाएंगे बाज़ार से, तो तब नाश्ता हम साथ में करेंगे। बेटू को अभी नींद से जगाऊंगी। एंड यहाँ पे मैंने चटनी चढ़ाया है, आम की चटनी, मीठी चटनी बना रही हूँ। तो यही है, आज संडे है, स्पेशल कुछ बनेगा, नॉनवेज बनेगा, क्योंकि पहला बैसाख के दिन मेरी तबीयत भी एकदम ठीक नहीं थी, और उस दिन हमने नॉनवेज नहीं खाया। तो हमें खाते हैं ऐसे भी, पहले वैसे के दिन बहुत कुछ खाते हैं, तो मैंने कुछ नहीं बनाया था। तो आज मैं उस चीज़ को, उस कमी को पूरा करूँगी। आज थोड़ी तबीयत पहले से बेटर है, तो आज मटन वटन बनाऊँगी, तो अभी वही सब लाने गए हैं। चलिए आपको दिखा देती हूँ नाश्ते में क्या बनाया। नाश्ते में यहाँ पे बनाया है, देखिए पराठा बना के रखा है, यहाँ पे बनाई है सब्जी, यहाँ पे बन रही है आम की मीठी चटनी, ये गुटली है, आम का गुटली भी डाल दिया, बहुत अच्छा लगता है खाने में। एंड चाय भी यहाँ बना के रख दी हूँ, थोड़ा सा पराठे के साथ खाने के लिए। सुबह भी चाय पिए थे, तो सुबह एक राउंड चाय पी चुके थे। सुबह एक्चुअली ब्लैक टी पिया था, एंड अभी दूध वाली चाय बनाई हूँ पराठे के साथ पीने, मतलब खाने के लिए। खाऊंगी पराठा, उसके साथ पियेंगे चाय, दूध वाली चाय। सुबह ब्लैक टी पिया था, तो यही है। एंड ये चटनी बन जाएगी, एंड अभी आ जाएंगे, उसके बाद लंच का प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। चलिए फिर बाद में मिलते हो आप लोगों से। आशा करती हूँ आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा जा रहा है। बाबू उठ जाओ, अभी सो रहा है बेटा। बाबा उठ जाओ, उठ जाओ बाबा, सुबह हो गई, उठना नहीं है। हाँ तो बाबू उठ जाओ, सुबह हो गई, नाश्ता नहीं करना। बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दिया है आज संडे। ये कपड़े आज धो दिए थे, सूख गए हैं, सुबह सुबह जल्दी धो दिया था और एक घंटे में ही सूख गया, तो इसको भी फोल्ड किया, अभी कबर्ड में रखूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो खाना चढ़ा के आ गई, थोड़ा बैठी हुआ के एसी में, इतनी गर्मी है क्या बताओ। तो उधर पकड़ा है सब मटन एंड चावल बना लूँगी, अभी नहाने चली जाऊँगी सर, अभी नहाने चली जाऊँगी, थोड़ा सुस्ता लेती हूँ, उसके बाद नहाने जाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज है ट्यूसडे एंड आज है 19 तारीख, आज था 19 तारीख। एंड तो 19 तारीख था, आज का दिन कैसा गया क्या बताऊँ। कल रात 3 बजे मेरा बेटा नींद में ही, उसका पॉटी लीकेज हो गया, मतलब पेट एकदम ख़राब, मतलब लिक्विड फॉर्म में पूरा, एंड नींद में ही उसका हो गया, और वो चिल्ला के उठा के मम्मा पॉटी हो गया। तो आप समझ ही सकते हो नींद से हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ कैसे उठे होंगे, फिर वो सब साफ़ करना,
इसका फिर लेते लेते ही टॉयलेट में, मतलब जाते जाते भी पूरा घर में मतलब करते करते जा रहा था, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, रोक ही नहीं पा रहा था। ये ऐसा उसका बहुत छोटा था तब एक बार हुआ था ऐसा, लेकिन उसके बाद तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो और कल का दिन भी ऐसा कुछ, मतलब स्कूल जा रहा है, नॉर्मल खाना खा रहा है, कुछ नहीं, कल ठीक भी था। रात को भी डिनर करके हम लोग सो गए थे जल्दी, 11 बजे तक सो गए थे। फिर बीच बीच रात में ऐसा हुआ तो क्या करे क्या ना करे, मतलब फटाक से, मतलब छुट्टी लेना भी पॉसिबल नहीं होता। तो हबी क्या किया, हबी तुरंत मतलब एक ड्यूटी लगा ली, अर्ली मॉर्निंग वाला एक ड्यूटी होता है, उस फ्रेस को यहाँ नहीं बोलूँगी। वो ड्यूटी करने चले गए 5 बजे, फिर आ गए वो के 7 साढ़े 7 तक आए, फिर मुझे लेके स्कूल ड्रॉप किया क्योंकि तभी तुरंत मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। एंड इसको भी देखना है उसके बाद, तो बीच में ये कितनी बार गया पॉटी, उल्टी भी किया, ये सब मतलब हालत ख़राब एकदम। तो क्या करें, उतनी अर्ली मॉर्निंग डॉक्टर के पास कहाँ ले ना ले अपॉइंटमेंट, ये भी बात है। तो तब तो बस जस्ट घर में मैं एक रखती हूँ प्रोबायोटिक, इसका एंटेरोजर्मिना, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है पेट खराब में, मतलब थोड़ा सा वो काम आता है छोटे मोटे पेट खराब में, तो वही खिलाया था। एंड खाली पेट ही था, उसके बाद मैं सोची शायद थोड़ा रुक जाए, बट नहीं, उसके बाद भी उसका हो ही जा रहा था। फिर जाके सुबह जैसे तैसे इसको मतलब साफ वाफ करके, उसके बाद भी उल्टी, मतलब वो उस बीच में वो 3-4 बार कर चुका था उल्टी एंड पॉटी। तो फिर अभी रुक गए, फिर मुझे देखे आ गए एंड मैं स्कूल गई, वही सुबह 3-3:30 बजे के जगह है हम सब। फिर ये तो सो गया था, मतलब एक होता नहीं है टायर्ड भी हो गया, फिर कुछ है भी नहीं पेट में, वीक। फिर जैसे तैसे इसको थोड़ा नींद आया, शायद सो गया उस बीच। जब ये सो गया तब हम निकले, मतलब ये सो गया था उस टाइम, सो ही रहा था तब ये मुझे जाके छोड़ के आ गया फटाक से। फिर बस स्कूल जैसे जाता है वैसे ही गया, अब क्या बताऊँ। फिर मैंने आज छुट्टी डाला है, मतलब कल के लिए छुट्टी डाला है, कल है 20, कल 20 तारीख है, कल वेंसडे होगा, कल में मैंने छुट्टी लिया है स्कूल से। इसकी तबीयत देखते हैं। एंड हबी इसके साथ ही थे, फिर हबी दिन में इसके साथ थे, फिर कपड़े वपड़े सब मतलब धो नहीं पाए थे ना, तब जस्ट चेंज किया था, बेडशीट वगैरह सब कुछ साफ किया था यहाँ, बट वो सब धोना भी तो बाकी था, बेडशीट वगैरह हबी आज सब धोए हैं खुद। एंड इसको लेके फिर डॉक्टर के पास ही गए थे, हमारे यहाँ पे एक है स्पर्श क्लिनिक, वहीं पे गए थे, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वही जाके वहीं के डॉक्टर को दिखा के आए हैं मतलब फ़िलहाल के लिए। तो उस डॉक्टर ने देख के बता दिया कि इसको इन्फेक्शन हुआ है पेट में। एक्चुअली बच्चों की आदत होती है ना, कुछ भी चीज़ें उठा लेते हैं, और इसकी बहुत गंदी आदत है कि ये बैग वैग का बेल्ट वेग वगैरह चबाता है, वो बैग वो नीचे रख रहा है, कहाँ कहाँ रख रहा है, उसमें धूल मिट्टी लग रही है और मुंह में लेके चबाता है। जब मैं देखती हूँ तो डांटती हूँ, अब क्लास में क्या करता है पता नहीं, मैं अपने क्लास में बिजी रहती हूँ, ये अपने क्लास में रहता है, इसका क्लास अलग है। फिर बच्चों का क्या होता है, पेंसिल वेंसिल हर चीज़ मुंह में डालता है, इसकी बहुत गंदी आदत है, मैंने डांटा भी है बहुत दिन, मैं बोल भी रही थी। और इसका क्या हुआ ना, 2-3 दिन पहले स्कूल में इसका टिफिन टाइम में भी इसने वोमिट किया, टीचर ने मुझे बताया कि इसको, इसने मतलब नाश्ता ही नहीं कर पाया, इसको जो मैंने ब्रेकफास्ट में दिया था टिफिन बॉक्स में जो दिया था उसको रोटी सब्जी नहीं खा पाया, और खाते ही वहीं पे उल्टी किया था ये, तो मैम ने बताया। तो मैं बोली ठीक है, कभी कभार हो जाता है बच्चों का बदहजमी, बट 2-3 दिन पहले भी ऐसे ही उसका हुआ था, नहीं सॉ दो दिन लास्ट वीक भी ऐसे ही हुआ था उसका तबीयत, इसका मतलब तभी से ठीक ही नहीं था। फिर तो हम दोनों बीमार भी पड़ गए, मतलब सेट जो हमें छुट्टी मिला था 4 दिन का, उसमें तो हम दोनों की तबीयत खराब ही थी, सर्दी खांसी ये सब था ही। फिर कल रात से भी इसका पेट ये हो गया, तो डॉक्टर ने वही दवाई दी है, एंटीबायोटिक ही दिया है 3 दिन के लिए, तो बोला है कि ठीक हो जाएगा 3 दिन में, बच्चों का होता है इन्फेक्शन है, थोड़ा टाइम लगता है, 3 दिन एंटीबायोटिक दिए, 3 दिन खिलाइए इसको, मतलब होपफुली ठीक हो जाएगा, और अगर ठीक नहीं होता तब कुछ और टेस्ट देंगे या और दवाई देंगे शायद कुछ और स्ट्रॉन्ग। तो वही है, अभी देखते हैं क्या होता है, अभी तो फिलहाल ये सो रहा है। सो गया बेचारा। फिर तो बस वही है, अभी फिर चले गए ऑफिस उनका आफ्टरनून, मतलब सुबह ड्यूटी ले ली थी उसके कारण ही वो रुक पाए, और वो ड्यूटी करके आए बोल के रुक पाए, अभी फिर वो चले गए आफ्टरनून, अपने ऑफिस में ड्यूटी है। एंड मैंने छुट्टी ली है कल की, देखते कल का दिन इसका कैसा जाता है, अगर ये कल ठीक रहता है मतलब ठीक हो जाता है, थोड़ा सा बेटर होता है आज से, तो परसों मैं जाऊंगी ऑफिस। इसके ऊपर सब डिपेंड करता है, अगर ये ठीक नहीं होता कल भी इसका अगर हालत उतना, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम ना हबी को अगर परसों छुट्टी मिल जाती है तो फिर मैं अपने ऑफिस चले जाऊंगी, नहीं रुकूंगी हबी, कोई एक तो रुकना चाहिए। और अगर हबी को भी छुट्टी नहीं मिलती परसों
तो फिर मैं ही छुट्टी लूँगी, वही है बोल के तो आई हूँ 2 दिन का, भी देखते हैं, इसके ऊपर सब डिपेंड करता है। ये अगर ठीक रहता है तो मैं परसों चली जाऊँगी स्कूल, कल नहीं जाऊँगी। एंड अगर ये इसका ठीक नहीं रहता उतना, या इसको रखने का इस बच्चे को, मतलब ऐसे हालत में इस बच्चे को अगर थोड़ा बेटर भी होता है तो इसको स्कूल तो नहीं ले सकती ना। अभी जस्ट ऐसा हुआ है, वीक है, वोमिट कर रहा है, पोटी कर रहा है, अभी देखना, एक वीकनेस भी आ जाती है बॉडी में, तो अभी इसके शरीर में वो ताकत है नहीं कि वो स्कूल करेगा अटेंड। तो एक पेरेंट को तो रहना ही है इसके साथ। सो हबी को अगर छुट्टी मिल जाती है परसों तो मैं चली जाऊँगी अपने ऑफिस, और अगर हबी को छुट्टी नहीं मिलती, सॉरी, तो फिर परसों भी मैं छुट्टी ही लूँगी। ये है, देखते हैं जो भी होता है बताऊँगी। एंड अभी थोड़ा मैं भी सो जाऊँगी, सही में 4:30 बज रहा है। स्कूल से भी थोड़ा लेट ही आई सब काम वो समेट के, क्योंकि कल नहीं जाऊँगी इसलिए। स्कूल से आके भी मैं तुरंत पहले ये, इसलिए मैं सोची जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, जो जो काम था जो सॉर्ट आउट करना था वो सब करके दे दी पहले टीचर्स को कल के लिए। एंड क्योंकि पता नहीं है नींद से उठेगा उसके बाद क्या हालत होगी, नहीं होगी, इसके पीछे फिर से पॉटी स्टार्ट हो जाएगा इसका, तो मैं बिज़ी हो जाऊँगी उन सब चीज़ों में, फिर ये काम कब करूँगी, पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए सो रहा है तो उसी बीच में मैंने सबसे पहले वो सब काम सॉर्ट आउट किया, टीचर्स को उनके उनके सब कुछ मतलब दे दिया, ताकि कल कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरा क्लास कोई दूसरे टीचर्स लेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए सब कुछ उनको डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया। ये सो रहा है तो, एंड उसके बाद मैंने लंच किया। लंच करते करते मुझे 4 बज गया, सही में लंच करके जस्ट उठी है ना, अभी 4:30 बज रहा है। अभी थोड़ा सोऊंगी, अभी नहीं सोऊंगी ना तो शरीर एकदम साथ नहीं दे रहा है। चलिए फिर ऐसे ही जा रहा है, वही है। एक्चुअली मौसम यहाँ इतना ख़राब हो रखा है, क्या बताऊँ, इतनी गर्मी, सब बीमार पड़ रहे हैं, सब बीमार पड़ रहे हैं, इतना गर्मी है ना भयानक यहाँ पे, सब बीमार पड़ रहे हैं। चलिए फिर बाद में मिलूँगी। आज भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी फिर से वो उल्टी किया, लैट्रिन भी किया, लूज मोशन अभी भी ठीक नहीं हुआ, मेडिसिन दे रहे हैं, वोमिटिंग वाला भी, वोमिटिंग के लिए भी एक दे रहे हैं, लूज मोशन के लिए भी दे रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आज वेंसडे गया, कल थर्सडे मेरा छुट्टी है, फिर भी छुट्टी ले रखी हूँ, कल का दिन देखती हूँ, बस जल्दी ठीक हो जाए, ऐसे करके बहुत मुश्किल होगा। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगे? नहीं। अच्छा कैसे लगेगा, बोल रहा अच्छा नहीं लग रहा, लेट रहो, और इस पानी पी, और दू, और इस और दू, वही है, अच्छा नहीं लग रहा है बोल रहा है, अच्छा कैसे लगेगा, वोमिटिंग ये होता रहेगा, पॉटी तो और लूज मोशन में ताकत ही नहीं है, वीक हो गया एकदम, क्या बताओ।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे, आज है आपका 23rd of April। बेटा मेरा अभी भी वैसे ही, इसको वॉमिटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। लूज मोशन अभी इसका कंट्रोल में है, बट कल भी बहुत वॉमिट किया। आज तो अभी सुबह से पता नहीं क्या करेगा, आज का दिन कैसा जाएगा। आज डॉक्टर के पास भी इसको लेके जाएंगे, क्योंकि पहले डॉक्टर ने जो दवाई दिया था वो असर नहीं किया है ठीक से। लूज मोशन कंट्रोल हो गया, बट वॉमिटिंग टेंडेंसी नहीं, अब वॉमिट कर ही रहा है। अभी इसको खिला रही हूँ मुड़मुड़ा एंड दही, खट्टी दही में थोड़ा शक्कर डाला है, थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है ना, मुड़मुड़ा और दही एक साथ मिक्स करके इसको ब्रेकफास्ट में भी खिला रही हूँ। क्योंकि दही चावल या दही मुड़मुड़ा खा के ये ठीक रहता है, उल्टी नहीं करता। बाकी अगर कुछ भी खिलाओ, दाल सब्जी वगैरह कुछ भी, तो उल्टी कर देता है तुरंत। ये है बाबा, खा लो, खाना भी नहीं चाहता है, हेल्थ भी देखिए कैसा होगा। इधर देखो, देखिए आंखें भी इसके अंदर चली गई, देखिए गड्ढा हो गया आंखों में, हेल्थ को दुनिया से ठीक है। बस अभी हम चाय पी रहे हैं, नाश्ता करेंगे, हम दोनों कुछ और खाएंगे। इसको दही मुड़मुड़ा खिला रहे हैं, तो वही है। एंड उसके बाद फिर लंच वंच बनाऊंगी, बस ऐसे ही जा रहा है। बस मैं अभी दिन गिन रही हूँ कब घर जाएंगे, दिन गिन रही हूँ कब समर वेकेशन स्टार्ट होगा। बस अभी मन नहीं लग रहा, और यहाँ रहने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब लग रहा है कहीं जाओ बाहर, घर जाओ। चलो फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे एंड कल मैंने ब्लॉग बिल्कुल नहीं किया। अभी आपने देखा ब्रेकफास्ट टाइम, सुबह से भी ब्लॉग नहीं किया, मन ही नहीं कर रहा कुछ दिन से ब्लॉग करने का। एक तो बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, आज फिर भी ठीक है, कल डॉक्टर को दिखा के लाए अगेन, मतलब पहले डॉक्टर के मेडिसिन काम नहीं किए तो फिर कल दिखाया। मेरे एक कलीग ने नंबर दिया था चाय स्पेशलिस्ट का, तो वहाँ वी के शर्मा को दिखा के आए, उनकी दवाई अच्छी है, मतलब उनका दवाई लेने के बाद तो वोमिट नहीं किया है। एंड डॉक्टर ने एक ब्लड टेस्ट भी लिख के दिया है, शायद इसको एलर्जी भी हो सकती है, मतलब डाउट कर रहा है कि क्यों वोमिटिंग कर रहा है। लूज मोशन था तब किया तो ठीक है, लूज मोशन ठीक हो गया, उसके बाद भी वोमिट कर रहा है, शायद किसी खाने से भी एलर्जी हो सकती है। मुझे बोला दूध नहीं देने के लिए इसको अभी कुछ दिन, तो वही है, हो सकता है दूध से इसको इरिटेशन हो, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा शायद, दूध ऐसे भी पचाने में टाइम लगता है, या कुछ और भी हो सकता है। तो इसीलिए एक ब्लड टेस्ट दिया है, तो उसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे एंड देखते हैं क्या आता है। एलर्जी टेस्ट के लिए ही दिया है फूड। एंड आज है संडे, आज है आपका 24th of April। खाना मेरा बन गया है, टेंगड़ा मछ बनाया है छोटा, आलू डाल के टेंगड़ा मछ, जो छोटी मछली थी उसको टेंगड़ा बोलते हैं। एंड बड़ी रोहू फिश बनाया है, रोहू उसको कालिया बनाया है। एंड चावल भी चढ़ा दिया, मैं नहा चुकी हूँ, पहले सुबह ही नहा चुकी हूँ, थोड़ा सुस्ताती हूँ इसी। बेटे का भी नहावा आ चुका है बेटा, बस चावल बन जाएगा तो बेटे को पहले खिला दूँगी, फिर हम हस्बैंड वाइफ खा लेंगे। एंड बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया है, घर के काम जो होते हैं झाड़ू पोछा ये सब हो चुका है। एंड दीदी आके मेरा बर्तन करके चली गई, सो यही है। एंड क्वार्टर मिल जाएगा तो मैं प्रे करूँ सही में जल्दी क्वार्टर मिल जाए, क्योंकि कैंपस के अंदर जो काम वाली आती है वो मतलब अच्छा है, वो झाड़ू पोछा भी करेंगी, देन बर्तन भी धो देती है, झाड़ू पोछा करती है। दो टाइम आती है दिन में बर्तन के लिए, सुबह भी आती है शाम को भी आती है, मेरी कलीग के यहाँ भी है, तो मैं भी वैसा ही चाहती हूँ। ये दीदी तो नहीं आती, बस सुबह ही एक बार आती है, एंड झाड़ू पोछा भी नहीं लगाती, यही प्रॉब्लम है, मतलब उम्र हो गई ना, झाड़ू पोछा नहीं लगा पाती है, बस खड़े खड़े होकर बर्तन धोती है हर घर में। इसीलिए मैं दोबारा और कोई और काम वाली नहीं रखी, क्योंकि दो दो काम वाली दो कामों के लिए अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए झाड़ू पोछा कर रही हूँ अभी जैसे तैसे। एंड क्या बोलते हैं,
क्वार्टर मिल जाएगा तो अच्छा होगा, क्वार्टर मिल जाएगा तो वहाँ काम वाली रख लूँगी जो झाड़ू पोछा भी करेंगी, बर्तन भी करेगी, मुझे भी थोड़ा राहत मिलेगा। एंड क्या बोलते हैं, दो टाइम आएगी, शाम को भी आएगी बर्तन धोने। तो यही है फिलहाल। चलिए फिर, और कहीं भी नहीं गई वीकेंड में, क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं है तो कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं गए, बस डॉक्टर के पास गए थे, यही है। ब्लॉगिंग भी ठीक से नहीं कर रही हूँ इसलिए तबीयत ठीक नहीं है बोल के, गर्मी भी बहुत भयानक वाली है, यही है। सो कुछ भी नहीं हुआ स्पेशल जो मैं ब्लॉग में दिखाऊँ, क्योंकि डेली लाइफ ब्लॉग करती हूँ, हर रोज़ ऐसा नहीं होता लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो या बाहर जाए, हमेशा ऐसा नहीं होता है। सो जो जैसा होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड सही में कल भी ब्लॉग नहीं की, सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम है उसके पहले ही किया था ब्लॉग शायद, मुझे याद नहीं। फिर पूरा दिन ब्लॉग नहीं की और आज भी सुबह से ब्लॉग नहीं की, अभी जस्ट आई हूँ आप लोगों से थोड़ा बात कर लें। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, हम भी ठीक ठाक चल रहे हैं मिला जुला के। बस अभी घर जाना चाहती हूँ सही में, और अच्छा नहीं लग रहा, अभी मन कर रहा है थोड़ा घर जाओ। 6 महीने हो गए घर, मतलब गई थी अक्टूबर में, है ना, सो वही है। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। सीख हो गया कौन? वो बापू। कोई और था तुम्हारे क्लास में? ठीक है चलो, मशीनটা কি দিয়ে যাব? ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय। मेरे इस ब्लॉग को छोड़ के जाने से पहले लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।